नानेड उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। क्रिकेट टूर्नामेंट की दाखिला फीस कम की जाए, क्रिकेट टीमों के जिम्मेदारों का मुतालबा। आइंदा माह से नांदेड़ में बड़े पैमाने पर क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाले हैं। इन टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 31,000 रुपए फीस रखी गई है। इस ताल्लुक से क्रिकेट खिलाड़ियों, क्रिकेट टीमों के जिम्मेदारान और क्रिकेट शौकीन का ये कहना है कि दाखिला फीस बहुत ज़्यादा है, इसे कम किया जाए। ये भी कहना है कि मराठवाड़ा के दूसरे ज़िलों में भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं लेकिन दाखिला मुफ्त दिया जाता है। अगर मुफ्त ना सही तो दाखिला फीस में कुछ ना कुछ कमी की जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट टीमें दाखिला लेकर अच्छे खेल का मुजाहरा कर सके। ख़ास बात यह है कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट साबिका वज़ीर आला श्री अशोकराव चौहान के नाम से लिया जा रहा है। जी हाँ, नांदेड़ में जो एक टूर्नामेंट हो रहा है जो कि हमें 2 दिन पहले पता लगा है, बहुत अच्छी बात है जो इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। पर उसमें जो है तो एक चीज़ बहुत अजीब लगी हमको नांदेड़ के अंदर, तो कोई भी क्रिकेट क्लब जो है तो इतना पैसा नहीं जुटा दे सकता है। 31,000 रुपये जो है तो परभनी, औरंगाबाद, बड़े से बड़े सिटियों में जो है तो बड़े बड़े आमदार खासदार चषक होते हैं, उसमें जो है तो फ्री में एंट्री दिया जाता है रहने खाने पीने का। तो इस तरह से जो है तो हमें बोलना ये है कि हम खुद क्रिकेटर है तो एंट्री फीस इतनी हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो है तो साहब के नाम से हो रहा है बहुत अच्छी बात है, पर साहब के नाम से इतना पैसा जुटाना बोल तो अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर जो है तो कमेटी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लेके जो है तो एंट्री फीस कम करना चाहिए, बस इतना ही हमारा कहना है। जो है तो इसमें कैसा है, फील्डर जो है नांदेड़ के जो तकरीबन नांदेड़ ही नहीं जो भी डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, हम तकरीबन टीमों से कांटेक्ट किया है, उन्होंने एंट्री फीस के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है कमेटी से कि एंट्री फीस कम किया जाए कम से कम, या एक तो इनवाइटेड बुलाया जाए। और प्लेयर जो है तो नांदेड़ के ये भी इतराज़ कर रहे हैं। एंट्री फीस जो है 31,000 रुपये। मराठवाड़े का आइकॉन बनता हुआ हमारा नांदेड़ का गुरु गोविंद स्टेडियम है और यहाँ पर सभी क्रिकेट प्रेमी औरंगाबाद से लेकर नासिक, पुणे से यहाँ पर सभी खेलने को आ रहे हैं और आए दिन यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। अभी साई 11 प्रस्तुत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चालू है और इसके बाद एक टूर्नामेंट आने वाला है कांग्रेस की तरफ से, SMP ग्रुप की तरफ से, जिसका अशोक राव जी चौहान के नाम पर रखा गया है और उसकी एंट्री फीस 31,000 रुपये है। इस चीज़ पे हम क्रिकेटरों को एतराज़ है कि ये क्रिकेटर्स जो क्लब होते हैं वो इतना फंड उनके पास नहीं होता कि वो 31,000 रुपये यहाँ पर एंट्री फीस भरे, तो ये जो है ये क्रिकेट के ख़िलाफ़ है और ये क्रिकेट को बढ़ावा देने के काम का जो डिसीज़न है वो नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है कि जो टूर्नामेंट लिया जाए अशोकराव चौहान के नाम से तो उसकी एंट्री फीस 31,000 ना रखते हुए कम रखी जाए, जो कि इसका इस टूर्नामेंट का फ़ायदा सभी नांदेड़ के और अतराफ के क्रिकेट प्लेयर्स ले सके। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अलबरकत होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।